सर टीचर की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के मुताबिक सर पे मेटल की किसी भारी चीज़ के चोट लगने से काफ़ी ब्लड लॉस हुआ सर और ब्रेन हैमरेज से टीचर की मौत हो गई। एक बात और सर, जख्म में कुछ अलग पार्टिकल्स भी मिले हैं जिसकी जाँच अभी भी चल रही है। ये रही रिपोर्ट सर। टीचर के फोन पे रोहिणी के वीडियोस और पिक्स मिले, इससे इतना तो क्लियर है कि वो टीचर कहीं ना कहीं रोहिणी को फॉलो कर रहा था। सर रोहिणी के बच्चों से पता चला है कि उसी दिन क्राइम से पहले टीचर उनके घर आया था फीस लेने के लिए। शायद उसी वक्त उसको समझ में आ गया था कि हस्बैंड शहर से बाहर है और बच्चे जो हैं दादी के घर पर रात को रुकने वाले हैं। सर हो सकता है टीचर रोहिणी पर चांस मारने गया हो और रोहिणी के इनकार करने पर उसने उसे जान से मार दिया हो और इसे लूट की शक्ल देने के लिए गहने लूटे हों और अब बेचने जा रहा था। हाँ ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है। सवाल एक, रोहिणी के घर पे कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई। चलो मान लेते हैं कि वो टीचर रोहिणी के घर पे रात को पहुंचा और किसी बहाने उसने एंट्री ले भी ली और फिर रोहिणी के साथ उसने जोर जबरदस्ती की, लेकिन रोहिणी के बदन पे हमें उस तरह के जोर जबरदस्ती के मार्क्स नहीं मिले। सवाल नंबर दो, अगर हम मान लेते हैं कि टीचर ने जोर जबरदस्ती की इसलिए रोहिणी ने रिएक्ट किया और उसकी वजह से टीचर ने उसे मार दिया, तो फिर वो सुबह तक वहां पे क्या कर रहा था? उसे तो निकल जाना चाहिए था, जबकि उसके स्टूडेंट्स ने पुष्टि की है कि वो उन्हें सुबह ट्यूशन पढ़ा रहा था। तो फिर घर पे कौन और मौजूद था जिसने आर्यन पलक पे हमला किया? सवाल नंबर तीन, टीचर को किसने मारा और क्यों मारा? सवाल नंबर चार, उसके पास मिले गहने कहां गायब हो? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और को पता चल गया हो। ये भी हो सकता है कि टीचर ने अलग अलग दुकान जाके ज्वेलरी बेचने की कोशिश की हो और उसी में से किसी ने उनको अकेले पाके उनकी हत्या कर दी हो और फिर पैसे लेके भाग गया हो। सर ऐसे देखा जाए तो ये केस बहुत ही कोइंसिडेंटल बनते जा रहा है। अब रोहिणी की हत्या टीचर ने की, किसी और ने टीचर की हत्या की रोहिणी के गहने और कैश लूटने के लिए, जिसके साथ रोहिणी का कोई कनेक्शन भी नहीं है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब हमें एक नहीं दो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने हैं। टीचर के दोस्त दुश्मन रिश्तेदार सबके बारे में पता लगाओ, सबके डिटेल्स निकालो फौरन। सर हेलो, हाँ ओके थैंक यू। सर सर साइबर ब्रांच से कॉल आया था सर, उन्होंने रोहिणी के मोबाइल से उस मिस्टीरियस नंबर पे फूटी कोटी पर मिलने के लिए मैसेज भेजा था और वो मान गया सर, थोड़ी देर में मिलने के लिए आ रहा है। वेरी गुड बेटा, फोन लगाओ। हेलो, हाँ हम पहुंच गए हैं, आप कहाँ हो? तेरे सामने ही हो बेटा, चल चल। तुम्हारा नाम अक्षत है ना? हाँ सर। रोहिणी के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? कौन रोहिणी सर? रोहिणी का रजिस्टर्ड नंबर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा और तुम उससे मिलना क्यों चाहते थे जबकि उसका मर्डर हो चुका है? क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहिणी का मर्डर हो चुका है और हम उसके कातिल को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आपका क्या रिश्ता है रोहिणी के साथ? मैं रोहिणी की माँ हूँ, अक्षत उसका बेटा। सर माँ लगभग मेरे ही एज की थी, तभी एक विक्रम नाम के गुंडे ने माँ की इज्जत लूट ली। उन्होंने कोर्ट में गवाही दी और उस गुंडे को जेल भेज दिया गया। उस हादसे के बाद वो पेट से हो गई, हमने उससे बोला गिराने के लिए, पर मेरी बेटी ने बच्चे को गिराने से मना कर दिया। ये बात मैंने सबसे छुपाई, भगवान की कृपा से हमें एक अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने अपनी बेटी की शादी दूसरे शहर जाके निकल से करा दी और फिर हमने तीर्थ यात्रा जाने का नाटक किया और हमने ये दिखाया कि बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड में हम लोग मारे गए। मैं बचपन से अपने नाना नानी को मेरे माँ बाप समझता रहा सर, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और लॉजिकली सोचा तब मुझे समझ में आया कि ये दोनों तो मेरे माँ बाप हो ही नहीं सकते। रजनी जी, मैं पीआई आदिल खान बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर आप दोनों मियाँ बीबी के बीच में कोई झगड़ा हुआ तो उसके लिए आपने अपनी माँ को, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि पड़ोसियों के बच्चों को भी बंदी बनाकर रखा हुआ। दरवाज़ा खोलिए, कहाँ की समझदारी है ये? देखिए अगर कोई धोखाधड़ी
चीटिंग या ईगो इशू है तो भी बातचीत से हल हो सकता है। अरे सर सर काय करते तुम सर, क्यों इज्जत का फलदान खेल रहे हैं सर? सर मैंने बोला ना, ये कोई पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, कोई ईर्ष्या जलन धोखाधड़ी कुछ नहीं है। फिर आप बताइए दरवाजा क्यों नहीं खोलेंगे? एक बार आराम से लिखना। रजनी दरवाजा खोलना, बताना इनको कितना प्यार करता हूं मैं तुझसे। रजनी खोल देना दरवाजा, बताना प्रॉब्लम क्या है, आई समझाना रजनी को क्या कर रही हो। आई अगर मैं तुझे दुख पहुंचाऊंगी तो मुझे कोसेगी तो नहीं ना? कैसा है रजनी? मुझे पैदा करते वक्त जो तुझे पीड़ा हुई थी ना, उससे कई ज्यादा पीड़ा मैं तुझे दे रही हूँ आज। मुझे कोसना मत, मुझे कोसना मत। वैशाली जी मेरी आवाज सुन रही हैं आप? ये रजनी की माँ वैशाली भी जवाब नहीं दे रही, आप श्योर हैं कि वो अंदर ही है? और कहाँ जाएगी सर? माँ बेटी में किसी तरह की कोई अनबन? सर आई है वो, उसकी उन दोनों में कितना प्यार है मैं बता नहीं सकता आपको। तो फिर वजह क्या है, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आज सुबह सॉरी बोल रही थी मुझसे। सॉरी किस बात के लिए? बताती तो मालूम पड़ता ना सर। तेरी किस्मत मेरे नसीब से अच्छी है, तू तो यहाँ है परमानेंट और मैं अब तक टेम्पररी, पता नहीं कब पत्ता कट जाए। तो इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? हाँ जब लाइफ में पॉजिटिव्स कम हो ना तो नेगेटिव्स जगह बनाने लगते हैं। तेरी लाइफ तो सेट है, तूने अगर जॉब छोड़ भी दिया तो तेरा पति है और यहाँ मेरा पति है, किसी और के चक्कर में पड़ रहा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।